हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि मैकबेथ पर बेस्ड होंगे। मैकबेथ शेक्सपियर की बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज डंकन कॉल मैकबेथ व्हेन ही हियर्स दैट मैकबेथ हैज़ डिफीटेड मैकडोन वर्ल्ड। जब मैकबेथ मैकडोनवल्ड को डिफीट कर देता है, उस समय डंकन उसको क्या कह के एड्रेस करता है? ऑप्शंस हैं, ट्रेचरस रेबल, डिस्पाइज रॉग, बी है योर मेजेस्टी लॉर्ड ऑफ ऑल स्कॉटलैंड, सी है मर्डरस बीस्ट, इविल ऑफ सोल, डी है वैलियंट कजन, वर्दी जेंटलमैन। और इसका सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डू द विचेस प्रेडिक्ट फॉर मैकबेथ एंड फॉर बैंको? चुड़ैलें मैकबेथ और बैंको के लिए क्या भविष्यवाणी करती हैं? ऑप्शंस हैं, ए मैकबेथ विल बी थेन ऑफ कॉर्डोर एंड इवेंचुअली द किंग, बैंकोज डिसेंडेंट्स विल बी किंग ऑल्दो ही विल नॉट, मैकबेथ विल बी कंक्वेरर ऑफ नॉर्वे, बैंको विल बी किंग, मैकबेथ विल रिमेन थेन ऑफ ग्लेमिस, बैंको विल बी थेन ऑफ कॉर्डोर, नीदर विल एवर बी किंग, मैकबेथ विल बी किंग, बैंको विल बी थेन ऑफ ग्लेमिस एंड कोजोर। इसमें से सही ऑप्शन है फर्स्ट, मैकबेथ विल बी थेन ऑफ कॉर्डोर एंड इवेंचुअली द किंग। मैकबेथ पहले थेन होगा, उसके बाद में किंग बनेगा। बैंकोज डिसेंडेंट विल बी किंग, जबकि बैंकोज का बेटा राजा बनेगा, अगरचे बैंको नहीं बनेगा। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट न्यूज़ डज रोज ब्रिंग टू मैकबेथ? कौन सी न्यूज़ रोज मैकबेथ को देता है? ऑप्शंस हैं, लेडी मैकबेथ हैज़ हैड अ सन, द थेन ऑफ ग्लेमिस हैज़ बीन किल्ड, मैकबेथ नाउ होल्ड द टाइटल ऑफ द थेन ऑफ कॉटोर। यानी मैकबेथ को थेन की टाइटल दी जाती है, सी का मतलब, द आर्मी हैज़ जस्ट लॉस्ट द बैटल विद द नॉर्वेजियंस। और इसका सही आंसर सी है। हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, मैकबेथ सेज स्टार्स हाइड योर फायर्स, लेट नॉट लाइट सी माई बैक एंड स्लीप डिजायर डीप डिजायर, व्हाट आर मैकबेथ डिजायर? इन लाइनों से जानना, मैकबेथ की इन लाइनों से हमें यह निष्कर्ष निकालना है कि उसकी डिजायर क्या होती है। ऑप्शंस हमारे पास हैं, ही वॉन्ट्स टू गो होम टू सी लेडी मैकबेथ, ही वॉन्ट्स टू रेज द टैक्सेस इन द लैंड सी रूल्स, ही इज़ वेरी टायर्ड, ही वॉन्ट्स द स्टार्स टू स्टॉप शाइनिंग सो ही कैन स्लीप, ही वॉन्ट्स टू बी किंग। फोर्थ का मतलब होता है वो राजा बनना चाहता है, और ये फोर्थ आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, आफ्टर लेडी मैकबेथ रीड्स द लेटर, वॉट डज शी टेल अस इन हर ओपिनियन ऑफ मैकबेथ एंड हाउ डज शी प्लान्स टू हेल्प हिम? लेडी मैकबेथ जब मैकबेथ के लेटर को पढ़ती है, उसको पता चल जाता है कि किंग यानी कि मैकबेथ राजा बन सकता है, तो वो क्या ओपिनियन देती है मैकबेथ को और किस तरह से उसकी मदद करती है। ऑप्शंस हैं, शी डजेंट थिंक ही वुड बी अ गुड किंग, बट सीन्स ही इज़ हर हस्बैंड, शी विल सपोर्ट हिम इन वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, बी शी थिंक्स ही कुड बी अ गुड किंग, बट ही लैक्स द हार्डनेस हार्टेडनेस विच वुड अलाउ हिम टू गेट द पोजिशन, शी वुड टॉक हिम इन टू इट, सी शी डज नॉट वॉन्ट हिम टू बी किंग एंड वॉज टू स्टॉप हिम, डी शी थिंक्स बैंको वुड बी अ बेटर किंग, शी प्लान्स टू कन्विंस बैंको टू सपोर्ट बैंको इंस्टेड। और इसका सही आंसर है बी, शी थिंक्स ही कुड बी अ गुड किंग। क्वेश्चन नंबर सेवन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट इज लेडी मैकबेथ प्रेयर टू द स्पिरिट्स आफ्टर शी लर्न्स डंकन इज कमिंग? ऑप्शंस आपके पास हैं, शी वॉन्ट्स टू बी फिल्ड विद क्रुएल्टी गिवन द हार्ड हार्ट एंड थिक ब्लड। ये कहना चाहते हैं, क्वेश्चन का मतलब होता है कि लेडी मैकबेथ चुड़ैलों से कौन सी प्रार्थना करती है। तो ऑप्शंस फर्स्ट है, शी वॉन्ट्स टू बी फिल्ड विद क्रुएल्टी गिवन द हार्ड
Hard and thick blood necessary to do what has to be done to make Macbeth king. Second है, she prays that Duncan will die on the way to see Macbeth. और C है, she asks the witches to create a terrible storm. और D है, she wants her husband's nerve to become stronger so that she will not have to do actual stabbing. और E है, she asks for a sign that her decision is the right one for her husband and for the country. और इसका सही आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट एडवाइसेस डज लेडी मैकबेथ गिव्स मैकबेथ व्हेन ही अराइव्स होम। जब मैकबेथ घर पहुंचता है तो लेडी मैकबेथ उसको कौन सी सलाह देती है। ऑप्शंस हैं, ही शुड नॉट ईट टू मच बिकॉज ही डज नॉट वांट टू गेट टू टायर्ड एंड स्लुगिश, और ही वॉन्ट बी एबल टू कमिट द मर्डर क्विकली। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है, ही शुड लेट बैंको इन ऑन द प्लान सो दैट ही हैज मोर हेल्प। ऑप्शन नंबर सी, ही मस्ट लर्न टू लुक इनोसेंट इवन वेन हीज हर्ट इज फुल ऑफ इविल। ऑप्शन नंबर डी, दिस वुड नॉट बी अ गुड टाइम टू मर्डर डंकन, दे शुड वेट अ फ्यू डेज। और इसका सही आंसर है, सी, ही मस्ट लर्न टू लुक इनोसेंट इवन हिज हर्ट इज फुल ऑफ इविल। वो कहते हैं कि उसको इनोसेंट दिखना चाहिए अगरचे उसका दिल बुराइयों से भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द मैकबेथ्स आर्ग्यूमेंट्स टू हिमसेल्फ अगेंस्ट किलिंग डकन। कौन से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं मैकबेथ के उसकी वाइफ से वो डकन को नहीं किल करना चाहता है उसमें। फर्स्ट है, देर आर टू मेनी विटनेसेस इन द कैसल, ही कुड नेवर गेट अवे विद इट। बी, मैकबेथ इज डकन्स किंग्स मैन एंड सब्जेक्ट, डकन इज अ गुड एंड पॉपुलर किंग, हिज डेथ वुड ब्रिंग सॉरो टू स्कॉटलैंड। सी, मैकबेथ डजेंट रियली हैव द एम्बिशन टू बी किंग, ही इज डूइंग दिस टू प्लीज हिज वाइफ, ही मे बी एबल टू चेंज हर माइंड इफ एनी वन फाउंड आउट डिड इट, दे वुड जस्ट किल हिम। डी, ही इज बेटर ऑफ बींग अ थेन एंड बींग अलाइव। इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर्गुमेंट्स डज लेडी मैकबेथ यूज टू कन्विंस मैकबेथ टू कमिट द मर्डर। कौन सी आर्गुमेंट्स लेडी मैकबेथ करती है उसको समझाने के लिए। ऑप्शंस हमारे पास हैं, ए, शी टेल्स हिम नॉट टू बी कोवर्ड बट टू बी अ मैन एंड गो एंड गेट व्हाट ही वांट्स। बी है, शी टेल्स हिम दैट इफ डंकन सस्पेक्ट्स एनीथिंग एंड दे आर सक्सेसफुल दे विल लूज देयर लाइफ सो ही शुड गो हेड with the plan. C, she says that people of Scotland will grow to love Macbeth even more than they love Duncan. He should go ahead for the good of the country. D, she reminds him that when they got married, he promised always make her happy and she won't be happy until he is the king. इसका सही आंसर है, फर्स्ट ए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज लेडी मैकबेथ प्लान। लेडी मैकबेथ का क्या प्लान होता है। ऑप्शंस आपके पास है, फर्स्ट, शी विल पुट पॉइजन इन द किंग्स फूड, ही विल डाई इन ही स्लीप एंड इट विल लुक लाइक अ नेचुरल डेथ, दे विल ब्राइब द गार्ड्स एंड ऑफर देम मनी एंड पावर टू किल द किंग, मैकबेथ सोल्जर्स विल कम इन टू द बैंकेट डिस्गाइज्ड एज रोबर्स, दे विल कमिट द मर्डर एंड वुड मैकबेथ सो that it doesn't look suspicious. Or D, she will drug the king's guard, Macbeth will then go into the king's room and kill him. और इसका सही आंसर है D, पहले वो गार्ड्स को ड्रग दे देगी, उसके बाद मैकबेथ जाएगा और किंग को मार देगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, which signal does Lady Macbeth give Macbeth to let him know that she has taken care of the card? Answers हैं, she will ring a bell. B, she will send a servant to say she is ill and wants to see him. C, she will light 3 candles in her bedroom window. D, she will stand at the window and whistle like a bird. सही आंसर है A, bell बजाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, What excuses
डज लेडी मैकबेथ गिव फॉर नॉट किलिंग डंकन हरसेल्फ, वो खुद डंकन को नहीं किल करना चाहती, उसके लिए क्या बहाना बताती है? ऑप्शंस हैं, इट वुड डिमिनिश मैकबेथ्स पावर इफ शी डिड द किलिंग, शी इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एंड माइट नॉट बी एबल टू यूज द नाइफ इफेक्टिवली, शी सॉ इन अ ड्रीम दैट ओनली मैकबेथ कुड कमिट द मर्डर, ही रिमाइंडेड हिम ऑफ हर फादर स्लीपिंग, वो कहता है कि उसको देख करके उसे उसे पिता की याद आती है इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती। तो आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर मैकबेथ किल्स डंकन ही गोज टू लेडी मैकबेथ, ही इज कंसर्न अबाउट नॉट बीइंग एबल टू से आमेन, व्हाट इज हर एडवाइस टू हिम, जब किल करने के बाद मैकबेथ लेडी मैकबेथ के पास जाता है तो वो कौन सी एडवाइस देती है। क्वेश्चन आंसर है, ऑप्शन है ए, ही शुड कीप ट्राइंग एंड सून ही विल सक्सीड, बी इट डज नॉट मैटर वेदर और नॉट ही कैन से इट, सी दे शुडंट थिंक अबाउट इट और इट विल मेक देम क्रेजी, डी आफ्टर थिंग्स काम डाउन ही कैन गो टू द प्रीस्ट एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, और इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वन मैकबेथ इज वरीड अबाउट हियरिंग अ वॉइस सेइंग मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, व्हाट डज लेडी मैकबेथ देन टेल हिम टू डू, ऑप्शंस हैं, हैव अ ग्लास ऑफ वाइन एंड रिलैक्स, गेट क्लीन्ड अप एंड फॉरगेट अबाउट इट, हैव द मिंस ट्रेल कम एंड सिंग सम क्वाइट ट्यून्स टू पुट देम टू स्लीप, गो फॉर अ वॉक इन अ गार्डन एंड गेट सम फ्रेश एयर, इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट डिड मैकडफ डिस्कवर, मैकबेथ को क्या पता चलता है, अ नोट कंटेनिंग द आउटलाइन ऑफ अ प्लॉट टू किल डंकन, एंड अनलॉक गेट एंड अ ड्रंक पार्टनर पोर्टर, अनदर वोमेन डेड फ्लावर इन द गार्डन, डंकन्स बॉडी, इसका सही आंसर है उसे डंकन की बॉडी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट एक्सक्यूजेस डिड मैकबेथ गिव फॉर किलिंग द गार्ड, व्हाट इज हिज रियल रीजन, कौन सा बहाना मैकबेथ गार्ड को मारने का देता है, ऑप्शन है, ही वॉज ड्रंक एंड डिंट रियलाइज वाट ही हैड डन, ही डिंट वॉन्ट एनी वन टू सस्पेक्ट लेडी मैकबेथ, बी ही डिड इट आउट ऑफ पेन एंड रेज बट ही एक्चुअली वॉन्टेड टू बी रिड ऑफ एनी पॉसिबल विटनेस, सी देवर अटैकिंग हिम एंड ही डिड इट इन सेल्फ डिफेंस, ही वॉन्टेड इट टू लुक लाइक अ प्लॉट टू मर्डर हिम टू, डी द विचेज प्रेडिक्टेड इट एंड ही कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ, ई ही वॉज एफ्रेड दे वुड नॉट बी रॉयल टू हिम वंस ही बिकेम किंग, और इसका सही आंसर है बी, वो गार्ड्स को इसलिए मार देता है ताकि कोई भी सबूत नहीं बचे, ताकि उनके खिलाफ गवाह ना दे सके। क्वेश्चन नंबर 18, वाई डू मैलकम एंड डोनाल्ड बेन लीव, मैलकम और डोनाल्ड बेन क्यों चले जाते हैं कहाँ, इंग्लैंड को, ऑप्शंस हैं, दे डोंट वॉन्ट टू बी अक्यूज ऑफ क्राइम, दे आर गोइंग टू टेक द सैड न्यूज़ टू देयर मदर, सी दे आर एफ्रेड दैट मर्डरर विल बी आफ्टर देम टू, दे वॉन्ट स्टार्ट मेकिंग द फ्यूनरल अरेंजमेंट, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें भी डर लगता है कि कहीं मर्डर उन्हें भी ना मार दे, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, Why does Macbeth want Banquo and Flee instead? Macbeth क्यों Banquo और Flee उसके बेटे को डेड देखना चाहता है या मारना चाहता है, ऑप्शंस हैं, He knows they suspect him, he is furious that he has done the work to become king and Banquo's descendants will benefit. He thinks they suspect him and that they may try to kill Lady Macbeth in retaliation. He is afraid that will try to bring Malcolm and Donald Bran back and make one of them king instead. He has gone crazy and wants to kill anyone associated with Duncan. इसका सही आंसर होगा ए, उसको डर होता है कि कहीं बैंको और उसके बेटे उसे मार करके राजा न बन जाए जिस तरह से उसने राजा को मार दिया। अब क्वेश्चन नंबर है 20, What is Macbeth's plan for killing Banquo and Fleance? Does it work? Macbeth का कौन सा प्लान होता है Banquo और Fleance को मारने का, क्या ये प्लान उसका काम करता है, ऑप्शंस हैं, He poisons their meal and they both die.
बी ही हैज हिज सोल्जर्स अटैक देम, बैंको इज वाउंडेड बट फ्लींस डाइज, ही प्लान्स टू किल देम एट दैट नाइट, दे फाइंड आउट एंड बोथ एस्केप्स, ही गेट्स टू कन्विक्टेड मर्डर सो वेट लॉन्ग अ रोड एंड अबश देम, बैंको इज किल्ड बट फ्लीज एस्केप्स। और इसका सही आंसर है इसमें से तो बी दे रखा, ही हैज सोल्जर्स अटैक देम, बैंको इज वाउंडेड बट फ्लीस डाई, ये सही है नहीं, इसका सही आंसर डी है। उसमें क्या होता है कि उसको मार दिया जाता है, बैंको को मार दिया जाता है, लेकिन उसका बेटा बच निकलता है जब उस पर अटैक करवाता है, वो भोजन के लिए बुलाता है, आमंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मैकबेथ सेज द वॉर्म दैट्स फ्लेड हैथ नेचर दैट इन टाइम विल वेनम ब्रीड, नो टीथ फॉर द प्रेजेंट, वॉट डज दैट मीन, ही इज हैविंग नाइटमेयर्स अबाउट स्नैक्स, बी वंस अ मैन कमिट्स मर्डर ही हैज द अर्ज टू डू इट अगेन, सी फ्लिंस डिसेंडेंट्स विल बी अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर बट फ्लिंस इज नो इमीडिएट थ्रेट सो मैकबेथ विल नॉट परस्यू हिम नाउ, डी ही रिग्रेट्स दैट ही एंड लेडी मैकबेथ हैव नो चिल्ड्रन टू कैरी ऑन हिज रेन आफ्टर ही डाई। ये स्टेटमेंट होता है फ्लीस के बारे में, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 22, हु डिड मैकबेथ सी एट द बैंक्वेट टेबल, बैंक्वेट टेबल में उसको क्या दिखाई देता है। ऑप्शंस है द थ्री विचेस लाफिंग एट हिम, बैंकोज घोस्ट, ब्लड फॉर द डैगर्स इन हिज वाइन कप, द इमेज ऑफ डंकन्स बीटिंग हर्ट। और इसका सही आंसर है बी, उसे बैंको का भूत दिखाई देता है और वो परेशान सा हो जाता है, अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, मैकबेथ सेज आई एम इन ब्लड स्टेप्ड इन सो फॉर दैट शुड आई वेट नो मोर, रिटर्निंग वर आई स्टेडियस एज गो और एयर, वट डज ही मीन, उसका क्या मतलब होता है इससे। तो ऑप्शन है ही सॉरी फॉर वॉट ही डिड एंड विल गिव अप द थ्रोन, ही इज कमिटेड टू हिज कोर्स ऑफ एक्शन वॉट एवर ही हैज़ टू डू, ही इज स्टिल अलाइव एंड इंटेंस टू स्टे दैट वे, ही डज नॉट वॉन्ट टू रिटर्न टू सी द रूम वेयर ही किल्ड डंकन। और इसका आंसर है बी, क्योंकि वो अपने वर्क के प्रति बहुत ही कमिटेड होता है, समर्पित होता है। 24 है, वेयर इज मैकडफ, मैकडफ कहाँ पर होता है, ही इज कीपिंग विजिल ओवर डंकन स्क्रेप, ही हैज़ फ्लेड टू फ्रांस, ही इज इन इंग्लैंड हेल्पिंग मेलकम, ही हैज़ बैरिकेड हिमसेल्फ इन हिज रूम एट द कैसल। तो वो कहाँ इंग्लैंड चला जाता है उसकी मेलकम की मदद करने, सी ओ सही है। 25, वाई डज मैकबेथ हैव मैकडफ्स फैमिली एंड सर्वेंट्स किल्ड, क्यों मैकबेथ मैकडफ और उसकी फैमिली को, मैकडफ की फैमिली को मरवा देता है। ऑप्शन है ए, मैकबेथ इज एंग्री बिकॉज मैकडफ हैज़ नॉट बीन लॉयल टू हिम, द विचेस टोल्ड हिम टू डू इट, सी लेडी मैकबेथ डज नॉट गेट अलॉन्ग विद देम, डी ही वॉन्ट्स टू ल्योर मैकडफ बैक फ्रॉम इंग्लैंड। ऑप्शन है ए, लॉयल नहीं होता है मैकडफ, इसलिए मैकबेथ उसको मरवा देता है फैमिली को। क्वेश्चन नंबर 26 है, वॉट डू द डॉक्टर एंड जेंटल वुमन सी लेडी मैकबेथ डूइंग, वॉट डू दे डिसाइड टू डू अबाउट इट। ऑप्शन हैं शी इज़ स्लीप वॉकिंग एंड टॉकिंग अबाउट द मर्डर्स, दे डिसाइड टू कीप एन आई ऑन हर बट नॉट से एनी थिंग, शी इज़ क्राइंग एंड टेयरिंग हर क्लॉथ्स, द डॉक्टर गिव्स हर समथिंग टू मेक हर स्लीप एंड टेल्स द जेंटल वुमन टू स्टे क्लोज बाय, शी इज़ स्लीप वॉकिंग एंड कॉलिंग आउट टू मैकबेथ, द डॉक्टर वेक्स हर अप एंड देन लॉक्स हर इन हर रूम विद जेंटल वुमन ऑन गॉड। इसका सही आंसर है ए वाला, सही आंसर है, वो सोने में बातें करने लगती है और डरने लगती है। और डी है शी इज सिंगिंग एंड डांसिंग, दे थिंक शी इज द फाइन एंड दे कम अ कंपनी हर, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 27, व्हाट ट्रिक डज मेलकम यूज टू हाइड द नंबर ऑफ मेन इन हिज आर्मी, मेलकम कौन सी ट्रिक फॉलो करता है अपने आर्मीज की संख्या को छुपाने के लिए। ऑप्शंस हैं ही हैज़ देम मार्च वेरी क्लोजली नेक्स्ट टू ईच अदर, ही ओनली ब्रिंग्स हाफ ऑफ देम फॉरवर्ड एट फर्स्ट, ही हैज़ देम यूज थ्री ट्री ब्रांचेस एज कैमोफ्लोज, ही मार्चेस एट नाइट सो द एनिमी कैन नॉट सी टू काउंट देम। आंसर इसका है सी, वो ब्रांचेस को लेकर चढ़ता है पेड़ को ताकि वो उसके आर्मी को काउंट नहीं कर सके या पता नहीं लगा सके। ऑप्शंस, क्वेश्चन नंबर है 28,
वॉट इज मैकबेथ रिएक्शन टू लेडी मैकबेथ डेथ? मैकबेथ का क्या रिएक्शन होता है जब लेडी मैकबेथ की मृत्यु हो जाती है? ऑप्शन ए, ही इज ग्लैड बिकॉज नाउ हिज सीक्रेट हैज डाइड विद हर। ही इज काम सेइंग शी वुड हैव डाई सूनर और लेटर एनी वे। सी ही फ्लाइज इन टू अ रेज एंड किल्स द डॉक्टर। डी ही कॉल्स ऑन द विचेस टू ब्रिंग हर बैक टू लाइफ। इसका सही आंसर बी होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, वॉट इज मैकबेथ रिएक्शन टू द न्यूज डेट बिरमन वुड इज मूविंग? मैकबेथ का क्या रिएक्शन होता है जब वो जंगल उसकी तरफ मूव कर रहा होता है, आ रहा होता है? ऑप्शन हैं, ही लाफ्स एंड सेज इट इज एन इल्यूजन। ही इज एफ्रेड एंड बैरिकेड हिमसेल्फ इन द कैसल। ही वॉज टू फायर टू द बेटर इंट। ही ऑर्डर हीज मैन टू सेट फायर टू द वुड्स। और वो कसम खाता है वो अंत तक के लड़ेगा। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, मैकबेथ सेज टू मैकडफ। मैकबेथ मैकडफ से कहता है, बट गेट दी बैक, माई सोल इज टू मच चार्ज विद ब्लड ऑफ दाइन ऑलरेडी। टू वॉट इज ही रिपीटिंग? वो किसके लिए ये लाइनें बोलता है? ऑप्शन से, मैकबेथ डजेंट वॉन्ट टू फाइट मैकडफ। ही हैज़ ऑलरेडी किल्ड मैकडफ फैमिली। मैकबेथ हैज़ द अर्ज टू किल एनी वन हु कम्स नियर हिम। मैकबेथ इज वॉन्टेड एंड वॉन्ट्स कंपैशन। मैकबेथ इज रेडी टू स्टॉप द ब्लड शेड एंड गिव अप द थ्रोन। सही आंसर है फर्स्ट ये। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हेन डज मैकबेथ नो ही इज इन ट्रबल? उसे कब पता चलता है वो परेशानी में है? ऑप्शन हैं, ही सीज द एक्चुअल साइज ऑफ द आर्मी। मैकडफ टेल्स हिम ही वॉज टेकन फ्रॉम हिज मदर्स होम इंस्टेड ऑफ बींग बोर्न ऑफ वुमन। ही सीज हिज वाइफ्स घोस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम। ही फील्स डिजी एंड ही इज नॉट एबल टू पिक अप हिज सॉर्ड। और इसका आंसर है बी, जब उसे पता चलता है कि मैकबेथ पैदा नहीं हुआ है बल्कि उसको उसकी माँ का पेट फाड़ के निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ डज मैकबेथ डाय? मैकबेथ किस तरह से मरता है? मैकडफ बीहेड, बीहेड माने सर कलम करना। मैकबेथ उसका सर कलम कर देता है। बी, ही एक्सीडेंटली फॉल्स ऑन हिज ओन स्वॉर्ड। सी, वन ऑफ हिज ओन सोल्जर्स मिस्टेकली किल्स हिम। डी, ही इज अटैक्ड बाय ग्रुप ऑफ मैकडफ सोल्जर्स। और आंसर इसका है फर्स्ट ये, मैकडफ उसका सर कलम कर देता है। 33 और ये लास्ट क्वेश्चन है, हु विल बी किंग ऑफ स्कॉटलैंड? स्कॉटलैंड का आप कौन राजा बनेगा? ऑप्शन है, रोस मैकडफ, मेलकम सीवर्ड, मैकबेथ। और इसका सही आंसर है मेलकम, जो कि डंकन का बड़ा बेटा होता है। तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।